अंजना गोस्वामी और हम लोग इधर ही रहते थे. यहाँ रहते थे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था, और जब से माहौल गए तब से कुछ ना कुछ लगाई है. वहाँ जाने के बाद मेरे पापा को कैंसर हो गया. वो 4 महीना जिए, 5 महीने हम लोग इधर कम से कम आज ज़्यादा नहीं तो 20-30-40 साल से रह रहे. मेरी लड़की इतनी छोटी, मैं इतने से यहाँ से रह रही. आज मैं खुद ये लड़की मेरी 8 साल इसको हो गए, 6 साल की. हाँ, और 2017 में गए थे वहाँ. जाने से फिर दूसरे से पापा को कैंसर हो गया. कब गए थे माहौल? ये जून में गए थे. ये मई में नहीं जून में गए थे ना. यहाँ से मई में टूटा था. दो महीना रोड पे निकाले जून में गए थे. हाँ, एक महीने के अंदर उनको कैंसर हो गया. नहीं, वहाँ वो धीरे धीरे उनको ऐसा जैसे अपना गला बैठता है ना, तब उन नमक वाला पानी पी लेते तो ठीक हो जाता है. ऐसा बहुत कोशिश करे लेकिन नहीं आराम हुआ. फिर इधर डॉक्टर से आके दवा लिए, राजावाड़ी में लिए 2-3 बार. ऐसे ही चलते रहा 4-5 महीने तक. फिर ऐसे करते फिर राजावाड़ी फिर लाए. तो राजावाड़ी में बोला कि इनको शायद पूरा ये तपास कराओ गले का, हो सकता है इनको कैंसर हो सकता है, ऐसा बोला. फिर तपास कराए. राजावाड़ी किधर है? इधर ही है राजावाड़ी हमारी, इधर ही. तो फिर वहाँ से वो बोले कि इनको कैंप में लेके जाओ. जब सब रिपोर्ट आया उधर कैंप में जाके बताया कि इनको कैंसर है. हाँ, तो फिर वो थोड़ा टेंशन में आ गए. तो फिर उनका खाना पीना भी थोड़ा बंद हो गया, खा ही नहीं पाई क्योंकि उनको गले में ही कैंसर है. खाना पीना बंद हो गया, टेंशन में आए. तो उसके 1-2 महीने के बाद 1 मई को ऑफ हो गए. और मेरे को भी टीबी का बीमारी है. मेरी आपको कब से हुआ? वही जब मेरे पापा ऑफ हुए तब से मेरे को हो गया. आपको टीबी हो गया, उनको कैंसर हो गया. हाँ, परिवार में बाकी लोग का स्वस्थ? मम्मी को भी तकलीफ है, पैर हाथ ये ऐसे जकड़ते हैं, हाथ में दर्द होता है, पूरा बदन हाथ दुखता है. पहले तो खुजली भी था लेकिन अभी इधर से दवा लिए तो ठीक हुआ है. लेकिन बस टीवी का दवा छा, वो भी दवा छा. कौन से बिल्डिंग में रहते हैं? 13 नंबर बिल्डिंग में, रूम नंबर 500. और कौन कौन है परिवार में? परिवार में मेरे पापा थे वो तो ऑफ हो गए, मम्मी है, भाई है 2, और मम्मी है, एक छोटी बहन है जो जिसको अभी इधर हम लोग बैठे 4-5 दिन से, तो उसको आज इधर धूप में ये चक्कर आया, फीट आया, वो हॉस्पिटल में. हाँ, तो उसको आज उसको एडमिट करे हैं. डॉक्टर बोला है मिर्गी आएगी उसको. तो उसको अभी एडमिट किया है. मम्मी भी उधर ही गई है. बस और कुछ नहीं, बस यही है कि अभी और क्या बोलूँ. और आपके पति क्या करते हैं? वो यहाँ नहीं रहते, गाँव में रहते. कैसे घर का खर्चा कैसे चलता है? हम लोग मेरी मम्मी मतलब हम लोग पंडित है ना, तो इधर हम लोग के सब पहचान वाले, तो वो लोग हमको महीने महीने पे जो जिस पे बनता है सो देते, तो वो उससे कर देते. ऐसे काम अभी नहीं करते? नहीं, काम हम नहीं है. भाई है तो 10वीं पढ़ रहा था तो फेल हो गया. हाँ, फेल हो गया क्योंकि वहाँ से जल्दी इधर आने को होता नहीं है टाइम टेबल पे, तो उसका पढ़ाई पूरा नहीं हुआ तो इसलिए फेल हो गया था. कितना दूर जाना पड़ता था उसको स्कूल? यहाँ से कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है माहौल से. हाँ, यहाँ से जाने के लिए माहौल के लिए 1-1.5 घंटा, वहाँ से फिर घर को पर आने के लिए 1-1.5 घंटा लग जाता है. अगर स्कूल जाते तो रोज 3 घंटा उसका, आधा 1 घंटा लेट ही हो जाता है. स्कूल से क्या करें, कितना जल्दी उठे, 4 बजे उठते फिर भी लेट हो जाता है. जल्दी उठ जाओ तो बस नहीं मिलती है कभी, क्या करें बताएं. और दो भाई हाँ, वो दूसरा है तो वो भी काम करता है. उसको कुछ खांसी उसी आता रहता है. वो भी थोड़ा हल्का बीमार है, कभी जाता काम पे कभी नहीं जाता. तो अभी वहीं पे रह रहे हैं सारे? हाँ, उधर ही ये करते हैं. और कहीं जाने का कोई अभी नहीं? घर में कमाने वाले मेरे पापा ही थे, वो चलेगा तब से हम लोग को बहुत परेशानी है. और कौन से गांव से हैं आप? किधर हैं? हम इधर यूपी झांसी से. झाबा? झांसी सुने हो? झांसी सुने हैं. हाँ, वही थे. बुंदेलखंड में? हाँ, बुंदेलखंड जिला जालौन. और आपके जगह से और भी लोग हैं वहाँ पे? हाँ, बहुत जन है हमारे. हाँ, मेरे बड़े पापा हैं, मम्मी है बड़ी, उनकी लड़की है, बच्चे हैं उनके भी. वो लोग भी 14 नंबर बिल्डिंग में पहले माले पे रहते हैं. हाँ, आज 5वां दिन.
क्या कहाँ जाने से आपको लगता है दूसरी जगह ठीक हो जाए? वहाँ जाने का मन ही नहीं करता, वहाँ से यहाँ बहुत अच्छे हैं। वहाँ तो सांस लेने को ही नहीं होता है, ऐसा ऐसा उल्टा सांस आता है, जैसे वो इसमें नाक में घुसता है ना वैसे उल्टा सांस आता है। और इधर तो अच्छी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। इधर रोड पे बैठे हैं भले, लेकिन हमको वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है, यहीं हम लोग ठीक है। अभी पहले कहाँ रहते थे? यहाँ वो साइड हम लोग का, उधर वो जो आगे पीपल का झाड़ दिख रहा है आगे, वहीं था हमारा घर। तो जबरदस्ती हटा गया? हाँ। तो यहाँ पे क्या बना रहे थे लोग? कुछ भी नहीं, बस ऐसे देखो तोड़ फोड़ के रख दिए, क्या बनाए, कुछ भी नहीं, ये दीवार खड़ा कर दिए बस, ऐसे ही बस बिना मतलब का काम चालू करके रखे है कि ये करना है वो करना है। बस झोपड़े तोड़ने थे तो वो बहाना था कि ये करवाना है ये बनवाना है, पाइप लाने ये हो जाएगी वो हो जाएगी। गरीबों का हक छीन के वो लोग आराम से बैठे खा रहे, हम लोग परेशान हैं, रोटी के लिए तरस रहे हम लोग के कैसे खाए कब क्या क्या खाएं, पैसा नहीं है, खर्चा पानी नहीं है, दूसरे से 10-20 रुपए का काम कर करके हम लोग रोज इधर आ रहे हैं। रोज घर वापस जाते हैं? नहीं जाती हूँ, परसों गई थी काम करी थी ऐसी एक जन के घर पे, तो 100 रुपया मिला था तो 2 दिन में वो भी ख़त्म हो गया, अभी इधर ही बैठी अभी नहीं जा रही, क्यों करूँ। और खाना पीना रहना भी ये जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, और कहाँ से खाएंगे। इधर से तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ जाने से बहुत परेशानी है। अभी वहाँ पे हॉस्पिटल में कौन देख रहा है? मम्मी गई है, बहन है छोटी मेरी। मम्मी गई? हाँ। मेरे भी तो थोड़ा समय लगता है। हाँ? मेरे भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ। झांसी में भी जाने का कुछ दिक्कत नहीं है? उधर भी हम लोग का घर है लेकिन टूट गया है, गिरा हुआ मतलब मैदान जैसा हो गया है, पप्पा बनाए नहीं तो अभी पैसा नहीं तो कैसे बनाएंगे, जाते हैं दूसरे के घर पे 1-2 दिन रह के फिर चले आते हैं। वहाँ पे कुछ खेती वेती नहीं? ये सब कुछ नहीं है, खाली हम लोग मंदिर पे रहते थे वही से हम लोग का खर्चा चलता था, अभी उधर मंदिर पे बड़े पप्पा रहते हैं, वो लोग सुनी नहीं रही है, वो लोग को तो कितना ये करके रखे घर पे भी जाके आए कितनी बार फिर भी नहीं सुनते, सरकार सरकार को क्या करे बता, सर पटक पटक के उन लोग के आगे थक गए, इन लोग को खाली गरीब का हक छीनना आता है और कुछ नहीं, देना नहीं आता लेना आता है, वोट दो वोट दो वोट दो, जब वोट ले लेंगे तो फिर पब्लिक को भूल जाते कि कौन सी पब्लिक कहाँ की पब्लिक कोई पब्लिक।